नमस्कार, सिटी न्यूज बरेली में आपका स्वागत है। मैं अंश माथुर, आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। वार्ड नंबर 2 जाटापुरा में खड़े हुए हैं और यहाँ पर हम लोग क्षेत्र में जब हम घूमे हैं तो हमें यहाँ पर पता चला है कि यहाँ की जो मुख्य सड़कों की समस्या, साथ ही साथ यहाँ पर जर्जर तार और जो है लाइट की समस्या, ये प्रकाश की समस्या भी यहाँ पर मुख्य रूप से निकल के आई है। बात करते हैं हम यहाँ के क्षेत्रवासियों से। क्या नाम है जी? क्या मुख्य समस्याएं हैं आपकी और जो सभासद महोदय हैं आपके वर्तमान के, उनकी तरफ से आपको क्या आश्वासन मिला? उसमें कोई साहब इलेक्शन के बाद कोई देखे नहीं आता, देखने नहीं आता। उसके बाद जो है यहाँ के जो नगर निगम के जो यहाँ के सभासद हैं उन्हें गौर नहीं करते हैं, दिल्ली बस्ती खास कर यहाँ के सारे सभासद कौन है? ये तो वो कोई है, कल्लू है कुछ। क्या कहना है, आप मिले उनसे अपनी समस्याओं को लेकर, क्या कहूँगा? तो क्षेत्र में उनको देखना चाहिए अपने, हमारे क्षेत्र में क्या कमी है। मतलब चुनाव के बाद से अभी तक कोई भी नहीं आया, नालियाँ बारिश में क्या हाल रहता है यहाँ का? हाल का बदबू आती रहती, नालियों में बैठो दरवाजे बदबू आती है तरीके से। तो डोर टू डोर जो नगर निगम की एक मुहिम चल रही है, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की, तो कूड़ा लेने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं 50 रुपए है नहीं, 50 रुपए महीना कहाँ से दे उन्हें। सड़कों का जो हाल नजर आ रहा है, सड़कें काफी टूटी हुई नजर आ रही हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कब से नहीं बनी है सड़कें? मायावती सरकार में बनी थी, बहुत टाइम से नहीं बनी ये रोड सड़कें जो है, जो हाँ वो नहीं बनी, नहीं बनी जाके। गंदगी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी, साथ ही साथ यहाँ पर जब क्षेत्रवासियों से बात की गई तो उनका ये भी कहना है कि पेयजल की भी व्यवस्था बहुत ही चरमराई हुई है। जो पानी आता है मौजूदा टंकियों में वो भी गंदा आता है। बात करते हैं यहाँ के और भी लोगों से। जो छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, जब वो खेलने निकलते होंगे, कोई पार्क की व्यवस्था है यहाँ पर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई पार्क की व्यवस्था नहीं। और जो ये साफ सफाई की जो दिक्कतें हैं, जो छोटे बच्चे हैं इनको भी बीमारियां काफी फैलती होंगी, उसके बारे में क्या कहना है, क्या मांग करना चाहेंगे आप प्रशासन से? यहाँ पर हर जगह जहाँ देखें आप वहाँ गंदगी गंदगी मिलेगी आपको। यहाँ पर कोई पानी की समस्या है, मतलब पानी का तो बहुत ही गंदा आता है, नाली का पानी आता है, टंकियों में आ रहा है। यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हैं कि कैसी गंदगी पड़ी हुई है। जो जनप्रतिनिधि यहाँ चुने थे उनका आपके ऊपर क्या ध्यान रहता है, कब तक आए हैं या नहीं आए? जब से आए नहीं है, जब से वोट मांग के आए थे, उसके अलावा अभी तक नहीं आए हुए। क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप अपने शासन प्रशासन से, बरेली नगर निगम से क्या मांग करेंगे? शासन प्रशासन में सब कुछ लिख के दे चुके हैं जी, लैपटॉप भी दे चुके हैं, मतलब ऑनलाइन जो मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी शिकायत कर चुके हैं, अभी परसों ही की है जी, वो वहाँ नगर निगम में उन्होंने आसपास। शिकायत आपने किस संबंध में शिकायत की? ये सीवर की, सीवर लाइन बहुत आगे चले गए आप, नाला पूरी तरह भरा हुआ है, सफाई नहीं हुई है। कितने समय से सफाई नहीं हुई? ये सफाई हुआ करीब 8 महीने, 8 महीने से सफाई सफाई नहीं, ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा सफाई कोई सफाई कर्मचारी यहाँ पर नहीं आता, लेकिन कोई नहीं आता और टाइम तो कंसर्न लगा हुआ है। पानी भी शुद्ध नहीं, यहाँ पर कोई सफा कंटर लगा ही नहीं है। अरे साहब, और सवा सब तो लौट भी नहीं देखा उन्होंने, जब से ये जीते हैं जब से लौट भी नहीं इनने देखा कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। सभासद कौन है? ये है ब्रजपाल कल्लू। अभी आपने देखा होगा कि नाले की व्यवस्था, अब बात करते हैं यहाँ के क्षेत्रवासियों से कि उनकी क्या दिक्कतें हैं जिनको लेकर वो आज यहाँ पर हमारे साथ में खड़े हैं और बात करते हैं। क्या नाम है? प्रमोद कुमार जी।
मेन यहाँ पर क्या दिक्कतें हैं आपको, जो यहाँ पर नाली की जो हमने सफाई व्यवस्था देखी कब से नहीं हुई है? या कम से कम जिसकी नौकरी लगी हुई है, पहली बात तो वो ही काम करना नहीं चाहता है, सही है, सैलरी मिल रही है उसके लिए 35,000 रुपए सफाई कर्मचारी को, लिहाजा वो ना तो झाड़ू लगाता है ना कूड़ा उठाता है, उसने खरंजा फिराया और चलता बना, उससे कुछ कहो वो कहता है ऐसी बात वैसी बात, नगर निगम जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ, मतलब कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं है किसी तरीके से, है ना, स्मार्ट सिटी का नाम है बदनाम कर रखा है योगी जी कहते हैं। आपके क्षेत्र में जो गर्मियों के टाइम आते हैं इसमें महामारी ना फैले उसके लिए फॉगिंग वगैरह जो होती है दवाई छिड़काई जाती है वो होता है? नहीं आता, नहीं मच्छर वाली भी नहीं आता, कुछ भी नहीं होता, तभी नरक जंजाल बना इस नाले का। यहाँ पर अभी पीछे हम लोग जो क्षेत्र में होके आए हैं तो लोगों ने ये भी शिकायत की यहाँ पर दलित बस्ती होने के कारण भी पक्षपात किया जाता है, चमार बस्ती है और इन लोगों से जो है घृणा करी जाती है, और जो है जहाँ पर जो है अच्छी बस्ती वहाँ पर सफाई अभियान चलता है, यहाँ पर कोई सुनने की बात ही नहीं है। सर यहाँ पर ये है हमारे यहाँ पर कई कर्मचारी हैं, सर जी यहाँ पर कई कर्मचारी हैं, किसी किसी वार्ड में 4-6 कर्मचारी लगे, यहाँ जरूरत नहीं है, और जहाँ जरूरत वहाँ एक कर्मचारी नहीं है, हमारी गली में सफाई उतनी कर और यहाँ भी नहीं है। और दूसरी बात ये देखते हैं यहाँ पर नल की व्यवस्था क्या है, नल यहाँ पर एक नजर आ रहा है हमें, बहुत खराब है, नहीं महोदय से आप मिले, उन्होंने क्या कहा आप जाएंगे जब भी जाते हैं वहाँ पर वो तो एक बार ये झाड़ने लगी है मैं चाहता हूँ ये जो सीवर जो है ये हर 15 में बंद हो जाती है, यहाँ से बाहर तक सफाई करने आते हैं तो दिक्कत होती है। दूसरी बात हम जो जाते हैं कि सीवर की बार बार समस्या से निजात पाने के लिए एक यहाँ पर जो पाइप डाल दिया है यहाँ से और ये नाला ये जो खोल दिया जाए ये गटर इससे समस्या दूर हो जाए। दूसरी बात ये है वो भाई जो सीवर सफर करने आते हैं तो कुछ लोग मांगते हैं भाई इसको तो हम लोग पैसा करके देते हैं, अब कभी कभी ऐसा भी हो तो हम लोग कहाँ तक पैसा करके देंगे, मान लो कोई अब पहले पैसा उनको दो फिर उसके लिए दो, तो हमारे जो अभी इस समय जो बहुत भले आदमी है राजू भारती जी, उनसे मैंने कहा सर सीवर के लिए हमारे पापा एक अभी आपने देखे होंगे वृद्ध थे, ये गरीब वृद्ध थे, तो वो अगर सब लोग ड्यूटी पे चले जाएंगे तो वो कहाँ पैसे वाए किसी को देंगे, तो उन्होंने कहा कोई पैसा मांगे हमसे कहो, आप कोई पैसा नहीं मांगा, आप पैसा मत दो, आप नंबर लो, आप ऐसे काम करो, मतलब सफाई कर्मचारी जो यहाँ पे आते हैं वो उगाई भी करते हैं सर, हम लोग दे भी देते हैं लेकिन उससे फिर ऐसा होगी दिवाली दो सफाई कोई नहीं हो पाती, उन्हें मानो कि 15 बाद फिर आना वाली फिर होना है, ये हर जगह का हाल है। 50 रुपए महीने की बात, 50 रुपए महीने कभी आए कभी आता, कभी आए कभी नहीं, वही होता है। और रिक्शे वाली बस्ती है देखो आप हमारी, ये इसीलिए है कि कोई कर्मचारी आए नहीं, बच्चे आते हैं पानी में निकल के, ये स्कूल है ये विद्यालय हमारा, तो ये ना पानी भरता था पानी निकल के जाते हैं विद्यालय की, जरा ले लेना आप पहले आता था अभी दोबारा शुरू हुआ है। अच्छा अभी ये YouTube पे मिलेगा आपको, इसे फ्री चैनल पर आ रहा है, नहीं आ रहा, फ्री चैनल पे आ रहा है 208 नंबर पे, 208 पे आ रहा है, 208 पे फ्री डिश पे मिल जाएगा। अच्छा अच्छा उसी पे गुरु प्यार जी का दर पबजी सब खेल रहा है, पबजी ए पबजी ये खेल लल्ला बताओ क्या परेशानी है, सफाई वाला आता नहीं आता है, इन्हें बताओ जरा देखिए पूरा के हम होली चौक में खड़े हुए इस समय, आप देख सकते हैं यहाँ के सभी क्षेत्रवासी यहाँ पर मौजूद हैं हमारे आसपास, जानना चाहेंगे यहाँ पर क्या क्या दिक्कतें हैं, सीवर लाइन तो है यहाँ पर लेकिन बताते हैं बारिश के मौसम में ये सीवर लाइन भी चौक हो जाती है। मैं अभी बात कर रहा था और इस बीच में इस सीवर लाइन के जो एक डिप पे खड़ा हुआ था तो मैंने ये महसूस किया कि इसका ये डिप का ढक्कन है ये भी हिल रहा था, जो कि
आगे कभी भी भविष्य में ये जो छोटे छोटे बच्चे नजर आ रहे हैं इनके लिए हादसे का सबब बन सकता है। तो नगर निगम प्रशासन को चाहिए कि वो समय समय पर इस सीवर लाइन की सफाई भी करवाए और साथ ही साथ जो ऐसी जर्जर हालत में डिप के ढक्कन है उनको भी सुधार करना चाहिए। इस बारे में हम और भी बात करते हैं और जानते हैं क्षेत्र के वासियों से कि क्या क्या यहाँ की मुख्य दिक्कतें हैं। क्या नाम है आपका? हम कुर्ता। क्या क्या यहाँ की दिक्कतें रहती हैं जिनसे आप लोगों को दो चार होना पड़ता है? जैसे कि सर आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई कर्मचारी नहीं आता सफाई करने। सर कूड़ा नाली सारी बंद रहती हैं, सर डिब्बी चौक रहते हैं और जो कि सड़कों पे कूड़ा वगैरह पड़ा रहता है तो कोई कर्मचारी नहीं आता है सर। तो सर मैं यही चाहूँगा कि इस चीज़ पे कार्रवाई हो और कोई कर्मचारी। यहाँ पर बात करते हैं कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं क्षेत्र की, उनसे जानते हैं कि क्या क्या मेन दिक्कत है। बारिश में जलभराव भी हो जाता है यहाँ पर, चौक पर जाते होंगे सब? अभी भी चौक है, सब अभी भी चौक है, छोटी छोटी लाइनें बन गई हो जाता है। कितनी बार शिकायत की गई है कोई सुनवाई नहीं? सर नाम वगैरह पता है आपको? सवासद कौन है? पेयजल की, लाइट की, सड़क की, इनके बारे में हम जानने आए हैं। गंदगी बहुत है यहाँ पे, नाली की बहुत दिक्कत है गंदगी। सफाई कर्मचारी कब से नहीं आया यहाँ? कब नहीं आते? 15 दिन बाद आते हैं, 15 दिन में। डोर टू डोर यहाँ पर जो कूड़ा कलेक्शन की जो एक मुहिम चल रही है उसके तहत कोई कूड़ा उठ रहा है यहाँ पर? कूड़ा तो उठ रहा है, कूड़ा उठ रहा है, घर से कितने पैसे लेते हो? सड़कें जो जर्जर हालत में, इसके बारे में आप कभी जो अपने क्षेत्र के सभासद से मिले उन्होंने क्या कहा? सभासद इधर आते ही नहीं है। महिला भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि क्या क्या मेन दिक्कत है। वार्ड नंबर आपका 2 कहलाता है, जो सभासद है वो कौन है? अरे यह सभासद जो कल्लू है यहाँ पर आज तक जब से जीता है यह कभी झांक के देखा नहीं है, कहाँ पानी भरा है कायद नहीं है, कभी जिंदगी में आया नहीं है जब से जीता। सब लैटरिन निकलती है नालियों में से, इस समय देख लो नालियों में बदबू आ रही है, नालियों सब भरी हुई है। आगे देखो यहाँ पर थोड़ा बहुत सही है, आगे बहुत भरा हुआ है। जाटापुरा में हम लोग पहुंचे हैं सद्भावना मेला ग्राउंड में, जहाँ पर हमने बात करना चाहिए लोगों से, तो बता रहे हैं अपनी समस्याओं के बारे में। क्या नाम है? मेरा नाम हरी महासे जी। भैया समस्या ये है जाटापुरे की, यहाँ पर आदमी 7 थे, 7 में से 6 रिटायर हो गए। 7 सफाई कर्मचारी थे? 6 यहाँ अंदर ये सब मिला था। ये पूरा जो क्षेत्र को ना जैसे ये जाटापुरा घूम के आए यहाँ तक जी 7 थे, अब रह गए ये 6 हो गए रिटायर। जमादार अपने माध्यम से दूसरे दिन तीसरे दिन लेबर लगा के काम कराता है, लेबर नहीं है ना तो कूड़ा उठाने वाला। प्राइवेट तौर पर जो सरकारी कर्मचारी थे वो हट चुके हैं और हाँ। जो प्राइवेट तौर पे जो कर्मचारी थे उनको यहाँ पर लगाकर हाँ। सफाई व्यवस्था बनाए रखे हुए। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब जो प्राइवेट तौर पे जो काम कर रहे हैं वो ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं या क्या दिक्कत है? प्राइवेट आदमी जो है घरों से 50 रुपए महीना ले रहा है कूड़ा उठाने का, बस उसकी सफाई चल रही, वरना यहाँ पर यहाँ पे सफाई कर्मचारी है ही नहीं। आज हम लोग पहुंचे थे बरेली नगर निगम के वार्ड नंबर 2 में, जो कि जाटापुरा कहलाता है। यहाँ पर हम लोग ने सभी क्षेत्रवासियों से बात करना चाहिए, जहाँ पर हमें ये मुख्य दिक्कतें सामने निकल के आई हैं, सफाई व्यवस्था हो या फिर सड़क की व्यवस्था, सीवर लाइन की व्यवस्थाएं हो या फिर बिजली के तारों की व्यवस्थाएं, कहीं पर भी प्रकाश की व्यवस्था नजर नहीं आई। इसके साथ ही सड़क भी दुर्दशा हालत में पाई गई, नालों में गोबर भरा हुआ नजर आया, फॉग के नाम पर केवल यहाँ पर नाम के लिए फॉगिंग कराई जाती है। मलेरिया हो, डेंगू हो, जो जैसी महामारियाँ हैं उससे बचने के लिए लोगों का कहना था कि साल में एक बार फॉगिंग होती है, इसके अलावा कभी भी नज़र नहीं आती है। सफाई कर्मचारी की बात की जाए, जो यहाँ पर परमानेंट सफाई कर्मचारी थे, अब वो मात्र प्राइवेट नज़र आते हैं और जो भी अपनी मर्जी से कार्य करते हैं। इसी तरीके से हम लोग मिलते हैं अगले वार्ड में, आपको बने रहिए सिटी न्यूज़ बरेली के साथ।